हाई स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स। पहला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स। हाई स्कूल लेवल में कभी हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें और फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन, कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। बाद में देखे हमने वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट। अर्थात मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी देना होता है वेक्टर क्वांटिटी। हम बात करता हूँ, एक एग्जांपल, कोई पर्सन है और बोलता है कि मैं डेली मॉर्निंग 3 किलोमीटर वॉक करता हूँ। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। अब ये 3 किलोमीटर वॉक करते हैं, वाटर में भी दे डायरेक्शन, वो 3 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, आई मीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर भी वॉक होगा। पर एक्चुअली हर एक डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 3 किलोमीटर होता है। तो कोई पूछ लेता है कि आप मॉर्निंग कितना डिस्टेंस वॉक करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ। डायरेक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होता है, उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर भी हो सकता है। तो इस क्वांटिटी डिस्टेंस ट्रेवल एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन नॉट नेसेसरी, देयरफॉर दैट डिस्टेंस कवर्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर बोलता है कि डिस्टेंस कवर्ड, मैं रोज सवेरे 3 किलोमीटर चलता हूँ पनपूरब की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या पर्सन इज 3 किलोमीटर पन ड्यू ईस्ट, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ईस्ट। अब इस केस में उस पर्सन ने डिस्टेंस कवर्ड भी एक्सप्लेन किया हुआ है 3 किलोमीटर और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी एक्सप्लेन किया हुआ। और हम सबको पता है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, और आपका डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान में रखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप जानते हैं इस पर्सन ने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, उसको आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल। मेरी बात बाप, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड अगर यस होगा तो साथ में उसने डायरेक्शन भी दे रखा है, और दैट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन को आप शॉर्टली लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी आ गया और साथ में डायरेक्शन भी आ गया। और यहाँ पे तो ओनली स्केलर क्वांटिटी है, ओनली डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन, डायरेक्शन नॉट एक्सप्लेन। जरूरी भी नहीं हमने उसको पूछा है कि आज रोज सवेरे कितना अंतर चलते हैं, तो उसने बोला 3 किलोमीटर, डायरेक्शन हमने पूछा भी नहीं, उसने बताया भी नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड मेजर किया हुआ है, और वो होता है डिस्टेंस कवर्ड ओनली। तो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज मीन बाय स्केलर क्वांटिटी, आप सबको पता है। फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देना होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जो आप मेजर करते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 3 किलोमीटर था टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये 3 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड और टुवर्ड्स ईस्ट इज द डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस भी होता है मैग्नीट्यूड, और साथ में डायरेक्शन भी होती है, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कवर्ड बोला तो ओनली वो मैग्नीट्यूड देता है, फिर वाटर में भी द डायरेक्शन, जो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो बहुत सारी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, मास है, किसी बॉडी का मास अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप नहीं बोलते कि पूरब की तरफ इतना मास, पश्चिम की तरफ इतना मास, नॉर्थ इतना मास, साउथ इतना मास, मास मास होता है। किसी बॉडी का टेम्परेचर उसको भी बताना है तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, कभी डायरेक्शन देते। किसी बॉडी का मास लिखना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में एक्सप्लेन करते हैं 50 kg, डायरेक्शन नॉट नेसेसरी। तो ये आपकी सभी स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, आपको एक फैक्टर पता होगा वेलासिटी,
तो वेलोसिटी में स्पीड भी आता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आती है, भाव है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सभी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ध्यान में रखो, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, उनके डेफिनेशन। क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देना होता है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। एंड फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉट नेसेसरी। सिर्फ उसके रिलेटेड वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखते हैं, डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं होता है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल भी हमने बताया। मैं बात कर रहा हूँ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ओनली वेक्टर्स। तो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर देखना होगा भाई। आप वही फिजिक्स में कोई डायग्राम बनाते थे और मेरे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी पोजीशन ए पे है और इसको आपने फोर्स वगैरह अप्लाई किया होगा और इसको यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, सपोज 10 न्यूटन। तो फोर्स अप्लाइड उसका रिप्रेजेंटेशन था और यहाँ पे लिखा फोर्स अप्लाइड इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया हुआ है, एरो मार्क बता, और आपका बॉडी पोजीशन ए टू बी गया होगा अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो उसको आप ऐसा बताते हैं। और बॉडी का स्पीड अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे लिखते हैं आप 5 मीटर पर सेकंड में भी। तो ये था डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम ए टू बी था और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन फ्रॉम ए टू बी था। तो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, उसको भी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है। तो ये फोर्स का रिप्रेजेंटेशन था, ये वेलोसिटी आपने इस एरो मार्क से बताया हुआ है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो वेक्टर्स होते हैं, अर्थात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पर उसको मैंने रिप्रेजेंट किया बाय दिस एरो मार्क, अर्थात एक लाइन सेगमेंट है और उसको एरो दे रखा है, मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो इसको मैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलूँगा। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, पर वेलोसिटी को मैंने इसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैंने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया। तो बताइए व्हाट इज मीन बाय वेक्टर। आप कोई भी लाइन सेगमेंट बनाओ और उसको डायरेक्शन दे दो एरो मार्क, ये होता है आपका वेक्टर। फिर ये वेक्टर कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एनी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, व्हाट मे बी। तो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट आपके पास होता है, मे बी ए बी, और उसको अगर आपने एरो मार्क दिया, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फिर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी गया होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट भी रिप्रेजेंट करेगा, कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ये वेलोसिटी भी रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी रिप्रेजेंट करेगा। तो व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। पहले कोई लाइन सेगमेंट होता है, पार्ट ऑफ ए लाइन, और उसको डायरेक्शन दी होती है बाय एरो मार्क, तो ये होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और उसको ही बोलते हैं वेक्टर। ध्यान में रखो, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर। अब मेरे पास एक वेक्टर है और उसको मैंने नाम दिया लाइन सेगमेंट ए बी और उसको ये डायरेक्शन दिया, इसको बोलते हैं वेक्टर सिंपली। तो इसको पढ़ोगे भी ऐसे, वेक्टर ए बी बार। अब ए बी बार का मीनिंग क्या आया, तो इसमें ए बी बार का मीनिंग होता है ए बी और साथ में उसको डायरेक्शन भी है, किधर से किधर, ए टू बी। तो ये ए बी और ये डायरेक्शन। अब ए बी क्या होगा, तो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा,
और उसको डायरेक्शन भी है। अब इसका लेंथ होगा सपोज 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो इसका लेंथ हो गया 4 यूनिट और साथ में डायरेक्शन। अब भाई ये लेंथ ए बी एंड डायरेक्शन ऐसा लिखने के बजाय मैं शॉर्टली उसको ऐसा लिखता हूँ, ये हो गया इस वेक्टर ए बी बार का रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो लेंथ होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल, वो मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने बोला कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड टू वेक्टर होता है तो उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी लेंथ ऑफ ए वेक्टर हो गया जो 4 यूनिट है, होगा 4 मीटर 4 किलोमीटर वाटर में भी, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड टू वेक्टर कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्या बोला बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये उसका डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के आपका वेक्टर मिलता है। दूसरी बात रही, मेरे पास कोई वेक्टर होगा लाइक सच वन, पॉइंट पी से स्टार्ट होता है और पॉइंट क्यू पे जाके टर्मिनेट होता है, ये डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था जिसको हम टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर पी क्यू बार, क्योंकि वो पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे जाके टर्मिनेट हुआ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था। अब ये पी क्यू बार लिखने का मतलब क्या हो गया कि पी क्यू और साथ में क्या है? डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन निकाल के बाजू में रखा तो यहाँ पे पी क्यू क्या हो गया? उस वेक्टर का लेंथ। जैसे होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो उसका लेंथ हो गया 3 यूनिट और साथ में डायरेक्शन। अब ये 3 यूनिट लेंथ ऑफ दैट वेक्टर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड टू दैट वेक्टर, एंड इस न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटेड टू दैट वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर बोलते हैं। तो जब कोई वेक्टर आप लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने और कोई वेक्टर लिखा होगा लाइक सच वन, सपोज यमेन बार होगा, बताइए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट यम, कहाँ पे एंड हो रहा है यन पे, तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर यमेन बार। यमेन बार का मतलब होता है लेंथ यमेन और डायरेक्शन फ्रॉम यम टू यन। अब ये तो डायरेक्शन है और ये यमेन जो है इस वेक्टर का लेंथ रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पे आएगा 2 यूनिट और डायरेक्शन। तो ये रहा लेंथ ऑफ ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये रहा उसका डायरेक्शन, टुगेदर ये रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो हमको बताओ व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने पहले ही बताया बाई डिस्प्लेसमेंट वेलासिटी एक्सलरेशन फोर्स मोमेंटम, ये कई सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती, और हर एक वेक्टर क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते, पहले ही बताया था। अभी तो हम प्योरली वेक्टर पढ़ रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय वेक्टर? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे पी से स्टार्ट हुआ क्यू पे एंड हुआ, सेगमेंट था और उसका डायरेक्शन पी टू क्यू था, तो इसको मैं बोलूँगा वेक्टर पी क्यू बार। इसमें उसका लेंथ आता है पी क्यू और साथ में आता है डायरेक्शन। लेंथ आप मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके साथ डायरेक्शन थोड़ी नहीं है, इसको डायरेक्शन अप्लाई करने के बाद वेक्टर बनता है। तो मैग्नीट्यूड तो प्योरली स्केलर क्वांटिटी है, किसी वेक्टर का लेंथ और स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी रिलेटेड टू वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। कभी पूछा व्हाट इज मीन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और अ स्केलर क्वांटिटी रिलेटेड टू वेक्टर इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमको लिखना है, सपोज इसका लेंथ होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो आप लिख सकते हैं लेंथ पी क्यू इक्वल टू 3 एंड डायरेक्शन। तो आपका वेक्टर पी क्यू बार पढ़ोगे कैसे? पी क्यू बार, उसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट जिसको आपने पी क्यू बोला, और उसका डायरेक्शन ये रहा मतलब पी टू क्यू रहा, डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को शॉर्ट में आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू बार बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का डेफिनेशन ही है लेंथ ऑफ ए वेक्टर, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव क्वांटिटी हम सबको पता है, उस वेक्टर को मैंने मॉडुलस साइन में लिखा,
तो इसका मतलब ही होता है पॉजिटिव क्वांटिटी रिलेटेड टू दैट वेक्टर। क्या बोला बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी रिलेटेड टू दैट वेक्टर, और इसको ही बोलते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मेरे पास कोई वेक्टर है पी क्यू बार, उसका मैग्नीट्यूड हमको लिखना है, तो मैं उसको सिंपली एज ए पी क्यू भी लिख सकता हूँ या उसको मॉडुलस ऑफ पी क्यू बार ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मॉडुलस का मीनिंग ही होता है पॉजिटिव क्वांटिटी रिलेटेड टू दैट वेक्टर, और पॉजिटिव क्वांटिटी रिलेटेड टू वेक्टर ओनली उसका लेंथ होता है, एंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोला। तो ये वेक्टर हो गया पी क्यू बार और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू बार, आप उसको सिंपली एज ए पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो जब आपके पास कोई वेक्टर होता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कोई डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होता है, होगा वेक्टर ए बी बार। कहाँ से स्टार्ट हुआ? पॉइंट ए से। कहाँ पे टर्मिनेट हुआ? बी पे। कैसे लिखोगे? वेक्टर ए बी बार। समझा? ये रहा वेक्टर ए बी बार। अब वेक्टर ए बी बार लिखा मतलब उसमें उसका लेंथ भी है ए टू बी और डायरेक्शन भी है फ्रॉम ए टू बी। अब उसका लेंथ होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, तो इसका लेंथ हो गया 4 यूनिट और ये डायरेक्ट। अब ये 4 एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड है, तो आप लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार और डायरेक्शन, ये ध्यान में रखें। तो वेक्टर ए बी बार मतलब मैग्नीट्यूड ए टू बी एंड डायरेक्शन आल्सो फ्रॉम ए टू बी। तो मैग्नीट्यूड ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी होगा एंड दैट इज 4 यूनिट्स है। अब मैग्नीट्यूड को ए बी से भी लिख सकते हैं और मॉडुलस ऑफ ए बी बार से भी लिख सकते हैं। चलो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ध्यान में आया होगा और मैग्नीट्यूड की केस भी ध्यान में आई होगी। कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है जो पॉइंट सी से स्टार्ट हुआ, पॉइंट डी पे जाके टर्मिनेट हुआ, और ये वेक्टर रहा आपका सी डी बार। भाई आपने सी डी बार लिखा, इसका मतलब इसमें आपने सी डी भी लिखा हुआ है और ऊपर डायरेक्शन भी दे रखा है। ये CD क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लेंथ फ्रॉम C टू D रिप्रेजेंट करता है। सपोज बाय यूजिंग मीटर स्केल मैंने ये लेंथ मेजर किया बिटवीन टू पॉइंट सी एंड डी, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट है, तो हक में उसका लेंथ 5 यूनिट आ रहा है और साथ में डायरेक्शन आ रही है। यूनिट मतलब मीटर होगा, किलोमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, वाटमीटर। तो ये लेंथ ऑफ ए वेक्टर को ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला के आपका वेक्टर बना हुआ है। अब ये मैग्नीट्यूड 5 आप ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ सी डी बार। समझ गया? इस वेक्टर को मॉड साइन में लिखने का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी रिलेटेड टू दैट वेक्टर, और पॉजिटिव क्वांटिटी रिलेटेड टू वेक्टर उसका लेंथ होता है, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है और वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये रहा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। चलो, बात करते हैं। मैंने एक वेक्टर लिखा है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट बी पे टर्मिनेट हुआ है, इसको आप लिखते हैं वेक्टर ए पी बार। इसका मैग्नीट्यूड बोला, ये तो वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी बार। लिखा ना? अब एक्चुअली ये वेक्टर पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे टर्मिनेट हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्चुअली पोजीशन वेक्टर। ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। एक्चुअली ए बी बार वेक्टर ए बी बार बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर एक्चुअली ये है क्या? तो इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ये पॉइंट बी का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट ए अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, ऑब्जर्वर होगा, तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। शॉर्टली आप इतना ध्यान में रखो, ए बी बार का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। मैंने कोई दूसरा वेक्टर लिखा होगा और यह है सी टू डी बार। कौन सा वेक्टर हो गया? सी डी बार। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉडुलस ऑफ सी डी बार, या सिंपली सी डी भी तो बोल सकते हैं। गुड,
ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, फिर वो कितने भी यूनिट का होगा, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट। पर इसको एक्चुअली बोलोगे ये पॉइंट बी डीप पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, सी से, तो इसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। तो मैं बोलूंगा पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसके विथ रिस्पेक्ट टू जहाँ पे टर्मिनेट हुआ उसका पोजिशन वेक्टर, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ध्यान में रखो। और एक रख है, देख लो मेरे पास ये वेक्टर है जो पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ और पॉइंट क्यू पे जाके टर्मिनेट हुआ, कौन सा वेक्टर बोलूँ क्या, इसको मैं बोलूँगा वेक्टर पी क्यू बार। ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ पी क्यू बार होगा, जिसको आप सिंपली एज ए पी क्यू भी लिख सकते हैं। अब एक्चुअली ये पी क्यू बार कहाँ पे टर्मिनेट हुआ, क्यू पे, तो इसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, एक्चुअली इट वन पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ध्यान आया, गुड। और देख लिए मेरे पास कोई वेक्टर है जो यम से स्टार्ट हुआ और यन पे जाके टर्मिनेट हुआ, डायरेक्शन ध्यान में रखो, क्या इसको वेक्टर यन एम बार बोलोगे कि यम एन बार, तो इसको मैं वेक्टर यम एन बार बोलता हूँ, यम से स्टार्ट हुआ यन पे जाके टर्मिनेट हुआ, उसका मैग्नीट्यूड होगा यम एन बार, उसको आप सिंपली यम एन भी बोल सकते हैं। पर इस वेक्टर कहाँ पे जाके टर्मिनेट हुआ, पॉइंट यन पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यम से, तो इसको मैं बोलूँगा पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसके विथ रिस्पेक्ट टू होता है और जहाँ पे जाके टर्मिनेट होता है उसका पोजिशन वेक्टर होता है, तो एम से स्टार्ट हुआ एन पे जाके टर्मिनेट हुआ, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एम, ये रहे वेक्टर का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। अब मैंने लिखा एक वेक्टर जो ओ से स्टार्ट हो रहा है और ए पे जाके टर्मिनेट होता है, यहाँ पे ओ आपका ओरिजिन होता है, आप सभी जानते हैं व्हाट इज मीन बाय ओरिजिन, समझा ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है आपके पास कार्टेशियन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और यहाँ पे कहीं पॉइंट ए होगा, तो ये वेक्टर आपका ओ ए बार नहीं हुआ क्या, वो से स्टार्ट होता है ए पे जाके टर्मिनेट होता है, ऐसा कोई वेक्टर होगा, और ये ए पे टर्मिनेट हो गया तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा। पर इसको मैंने लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन में ओ ए बार, इसका मैग्नीट्यूड होगा ओ ए बार मॉडुलस में, उसको आप सिंपली ओ ए भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये उसका सिर्फ लेंथ रिप्रेजेंट करता है, होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा, 3 यूनिट्स। मैं एक्चुअली इसको बोलोगे आप पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है तो सिंपली उसको पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए भी लिखा जाता है, सामने कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब समझना है कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा, और जब ये पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट होगा ए बी सी डी बट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसको मैंने यहाँ पे स्मॉल ए बार से रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे ए बार का मतलब होता है ओ ए बार इन शॉर्ट, ध्यान में रखो, गुड। मैंने लिखा कोई वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट पी पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, बताइए कौन सा वेक्टर हो गया, ओ पी बार, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ओ पी बार, या सिंपली आप उसको ओ पी लिख सकते हैं, होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट, ध्यान में रखो लेंथ ऑफ ए वेक्टर को ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोला जाता है,
अब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में वो कहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन और कहाँ पे टर्मिनेट हुआ पॉइंट पी पे, तो इसको मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और जब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है तो सिंपली आप उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इतना ही लिख सकते हैं, समझना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। हाँ कोई अदर पॉइंट होगा अदर देन ओरिजिन तो फिर लिखना होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, पर जब स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है तो आप सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आज लिख दो, और इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल पी बार, ये भी ध्यान में रखो, तो वो पी बार को एज ए पी बार रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिखा एक वेक्टर है मेरे पास जो पॉइंट सी से स्टार्ट हुआ पॉइंट डी पे टर्मिनेट हुआ, तो इसको कैसे लिखोगे सीडी बार, मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉडुलस ऑफ सीडी बार, या सिंपली सीडी भी बोल सकते हैं, और इसको आप बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, ध्यान में आया होगा। और यहाँ पे मैंने सी के बजाय अगर ओरिजिन किया तो इस वेक्टर को आप ओडी बार बोलोगे, उसका मैग्नीट्यूड आएगा मॉडुलस ऑफ ओडी बार या सिंपली ओडी, और इसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं लिखा तो भी चलता है, और उसको फिर आप स्मॉल डी बार से रिप्रेजेंट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल डी बार, ध्यान में आया, गुड। तो ये था व्हाट इज मीन बाय वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनेटिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट एंड सो ऑन। हमको जाना है टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। भाई मैंने बोला आपका फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन पता होगा। ये भी तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जैसा मेरा कोई ऑब्जेक्ट होगा पोजीशन ए टू बी गया होगा और इसका डिस्टेंस कवर्ड 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट आई सपोज 4 मीटर, तो बताएगा ना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर, किधर से किधर हुआ ए टू बी। और बाद में वो अगर बी टू सी जाता होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 3 मीटर है और अब वो बी टू सी गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 3 मीटर और डायरेक्शन था फ्रॉम बी टू सी। तो बताइएगा ना डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ का डिस्टेंस कितना 4 मीटर, यहाँ का डिस्टेंस कितना 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होता है जो आप हाईस्कूल में कई बार पढ़े, टोटल डिस्टेंस होगा 4 + 3 दैट्स इक्वल टू 7 मीटर, मेरी बात बराबर है। अब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा तो अब डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो चेंज हो चुका है, तो आप इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ज्वाइन करते हैं और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला ये राइट एंगल है तो पाइथागोरस रूल अप्लाई करते हैं और पाइथागोरस रूल में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड होता है, तो करो ना रूट ऑफ 4² 16 + 3² 9 तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब ये आता है 5 यूनिट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 यूनिट्स और डायरेक्शन था उसका फ्रॉम ए टू सी, किधर से किधर होगा ए टू सी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करनी है तो जरा ध्यान में रखो ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी और दोनों वेक्टर का मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो 5 यूनिट आ गया, डायरेक्शन ए टू सी थी। अब मेरे को बताओ ये फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना आया हुआ है 5 मीटर, डायरेक्शन कितना आया ए टू सी। अब मैंने बोला है कि ये पार्टिकल ए टू बी गया बी टू सी गया बाद में सी टू डी आया होगा राइट एंगल्स,
और ये भी 4 मीटर है। अब बताओ डिस्टेंस कितना होगा, 4, 3, 7 + 4, 11। अब डिस्टेंस आ गया 11। और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इनिशियली आपका पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे चला गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ये होगा, और इसको मैं लिखूंगा ए डी बार, और उसका मैग्नीट्यूड आता है ए डी, और साथ में डायरेक्शन आनी चाहिए। तो बताओ मैग्नीट्यूड ए डी कितना होना चाहिए, इतना डिस्टेंस दैट इज 3 मीटर, और साथ में डायरेक्शन है किधर से किधर, ए टू डी। समझा ना, ये रहा बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, कितना 3 मीटर और किधर से किधर, ए टू डी। दूसरी बात ले लिए, आपका पार्टिकल ए टू बी गया, बी टू सी, सी टू डी, और वापस आ गया डी टू ए, मतलब जहां से निकला वहां पे ही आया। अब ये 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये भी 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 4 + 3 + 4 + 3 14 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट बोला तो बताइए कितना होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपके पास है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियली पॉइंट ए पे था और फाइनली भी पॉइंट ए पे आ गया, उनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 0, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। पोजीशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ए से निकला वापस ए पे ही आ गया, तो ये हो गया वेक्टर आपका ए बार। डिस्टेंस बोला तो 14 मीटर आ रहा है ए टू ए, और डिस्प्लेसमेंट बोला तो वेक्टर ए ए बार आ रहा है, और इसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला ए टू ए, मैंने बोला ना ए बार में ए ए होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब ए मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए, और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए कितना था 0, और साथ में डायरेक्शन होगा, तो उसको आप 0 बार बोलोगे। ऐसे वेक्टर को बोलते हैं 0 वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0, ऐसा वेक्टर जो उसका लेंथ 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, उसको बोलते हैं 0 वेक्टर। तो टाइप्स में जा रहा था 0 वेक्टर, जनरली 0 बार से रिप्रेजेंट करते, डेफिनेशन होता है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0, वेक्टर ऑफ लेंथ 0 कॉल्ड एज ए 0 वेक्टर। और कई एग्जांपल आप दे सकते हैं, आपका पार्टिकल पॉइंट पी से निकला, क्यू पे गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सपोज 5 मीटर, अगेन क्यू से निकला और वापस पी पे आ गया, अगेन कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल 5 मीटर + 5 मीटर, दैट्स इक्वल टू 10 मीटर होगा डिस्टेंस कवर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली आपका पार्टिकल कहाँ पे था, पॉइंट पी पे, और क्यू पे जाके वापस भी कहाँ पे आ गया, पी पे, तो फाइनल पोजीशन पी क्या हो गया, पी। और पी से पी में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 0, तो उसको डायरेक्शन भी तो होगा पी टू पी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। इसको आप लिख सकते हैं पी पी बार, पी से निकला और वापस पी पे आ गया, इनिशियली पॉइंट पी से स्टार्ट हुआ और टर्मिनेट भी पॉइंट पी पे हो गया, तो ये वेक्टर पी पी बार होगा, और उसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पी पी बार कितना आ रहा होगा, 0। पॉइंट पी से गया क्यू पे, वापस पी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, तो ये पी पी बार आपका 0 वेक्टर हो गया। बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 0, वेक्टर ऑफ लेंथ 0 कॉल्ड एज ए 0 वेक्टर, जैसे कि ए ए बार वेक्टर है, पर लेंथ मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर ए तक, और ए से लेकर ए तक का डिस्टेंस 0 होता है। एग्जांपल होगा बी बी बार, सी सी बार, पी पी बार, ये सभी आपके 0 वेक्टर होते हैं, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू 0 वेक्टर। ए बार भी 0 वेक्टर हो गया, बी बी बार भी 0 वेक्टर हो गया, पी पी बार भी 0 वेक्टर हो गया, ध्यान में रखो 0 वेक्टर। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, यूनिट वेक्टर।
भाई जरा सुनो, मेरे पास कोई वेक्टर था, ए से स्टार्ट हुआ, बी पे जाके टर्मिनेट होगा, उसको मैंने बोला वेक्टर ए बी बार। जरा बराबर सुनो, अब वेक्टर ए बी बार लिखा तो इसमें इसका लेंथ ए बी है और साथ में उसको डायरेक्शन है किधर से किधर, ए टू बी। इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार ऐसा भी लिख सकते हैं, बीच बताया था। अब शॉर्टली आप लिख दो सिंपली ए बी। अब देखो यहाँ पे उसका लेंथ होगा 1 यूनिट 2 3 4 और 5 यूनिट, सपोज तो उसका लेंथ इक्वल टू 5 यूनिट है और डायरेक्शन ए टू बी है। तो ये वेक्टर ए बी बार जो है उसमें मैग्नीट्यूड ए बी आ रहा है और साथ में डायरेक्शन आ रही है फ्रॉम ए टू बी। इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और साथ में डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर ए बी बार को मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूँ। कैसे डिवाइड किया? किसी वेक्टर को उसके लेंथ से, क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में उसका लेंथ भी आता है, डायरेक्शन भी आती है, आप जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्टेंस भी आता है, डायरेक्शन भी आती है। अब इस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो वेक्टर ए बी बार का रिप्रेजेंटेशन था मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड बोला तो मेरे पास कितना था? 5। अब भाई बताओ, ये वेक्टर ए बी बार है, वेक्टर ए बी बार, और उसको कैसे डिवाइड किया? उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर ए बी बार था मैग्नीट्यूड 5 एंड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड था 5। अब आपको इस न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में मैग्नीट्यूड भी है, नंबर है प्योरली, स्केलर क्वांटिटी है और डायरेक्शन भी है। अब भाई ये 5 नंबर है और डिवाइड करना है तो 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नंबर को नंबर से। तो 5/5 हो जाएगा 1, पर डायरेक्शन को आपने 5 से डिवाइड करना है। कर सकते क्या बताओ? डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, तो डायरेक्शन विल बी एज इट इज। डायरेक्शन मेजर नहीं कर सकते, उसको मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसको आप डिवाइड नहीं करोगे तो विल बी एज इट इज। बताइए क्या बन चुका है? ये तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये भी तो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसको डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड 1 हो गया, पर ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन एक ही था जो ए बी बार का था, तो आपको एक वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। कितना हो गया? 1। और उसका डायरेक्शन हो गया किसका? ए बी बार का। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते बेटे? यूनिट वेक्टर। डिफरेंशियल सोपा होता है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर ऑफ जिसका मैग्नीट्यूड 1 है पर उसको डायरेक्शन होती है ऑफ गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। दूसरी बात देखते हैं, जरा ध्यान दो। मेरे पास कोई वेक्टर है पी क्यू बार, उसका लेंथ होगा 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट सपोज, और मैंने लिखा वेक्टर पी क्यू बार, लिखा होगा वेक्टर पी क्यू बार। अब भाई वेक्टर लिखते हैं पी क्यू बार तो इसमें आप क्या क्या लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। मैंने बोला मैग्नीट्यूड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो, तो ये वेक्टर पी क्यू बार मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ऊपर फिगर में बताऊं उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, 2 और 3 यूनिट, तो मैंने लिख दिया 3 यूनिट, साथ में क्या लिखा? डायरेक्शन। मेरी बात बराबर है? ये हो गया वेक्टर पी क्यू बार का रिप्रेजेंटेशन। अब इस वेक्टर पी क्यू बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं। कैसे डिवाइड किया? मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर पी क्यू बार था 3 एंड डायरेक्शन, और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड कितना था? 1, 2 और 3 यूनिट। क्लियर?
अब न्यूमरेटर को 3 से डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर में तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड को नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर को ही तो नंबर से डिवाइड करोगे, डायरेक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, विल बी एज इट इज, वो एज इट इज होगा। किसका डायरेक्शन था ये? पी क्यू बार का डायरेक्शन था। तो 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 हो गया, और डायरेक्शन पी क्यू बार का एज इट इज हुआ। क्या मिला है आपको बताओ? एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और डायरेक्शन जो है वो किसका डायरेक्शन है, जो पी क्यू बार का डायरेक्शन था। इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, स्मॉल ई लिखना है और ऊपर में कैप लिखना होगा, पढ़ते भी उसको ई कैप एन कैप, तो यहाँ पे मैं ई कैप बोल रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, पन जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर का वो पी क्यू बार का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? पी क्यू बार का। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू बार। क्या बोलना होगा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू बार। तो ये वेक्टर पी क्यू बार था, उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू बार। फिर वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं पे भी रहने दो, पर डायरेक्शन शुड बी सेम जो पी क्यू बार का, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू बार। तो हमको बताओ स्टूडेंट, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो पहले आपके पास कोई वेक्टर होना जरूरी होता है। उस गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, अर्थात वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द सेम डायरेक्शन, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग गिवन वेक्टर। कई केसेस होगी, मेरे पास और कोई वेक्टर होगा, सपोज पॉइंट एम से स्टार्ट हुआ, पॉइंट एन पे टर्मिनेट हुआ, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट्स होगा मीटर में, 8 मीटर, कोई प्रॉब्लम? अब बताइए ना, आपने वेक्टर एम एन बार लिखा तो इसमें क्या क्या आएगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पहले ही बोला, जिसमें मैग्नीट्यूड भी आता है डायरेक्शन भी आती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब एम एन को आपने मैग्नीट्यूड बोला तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 8 यूनिट। अब मैंने वेक्टर एम एन बार को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड एम एन बार मॉडुलस में लिखो या सिंपली एम एन लिखा तो भी चलता है। एम एन बार का वैल्यू था 8 और डायरेक्शन, और साथ में मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया 8 बाई 8, 1 होगा, पर डायरेक्शन अनअफेक्टेड। आपको पता है आप डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, स्केलर को ही स्केलर से डिवाइड करूंगा, नंबर को ही नंबर से डिवाइड करूंगा। तो 8 बाई 8 1 हो गया और डायरेक्शन एज इट। क्या मिला है आखिरी? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिला या वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 को आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं, पर इसका जो डायरेक्शन है वो एम एन बार का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? एम एन बार का। तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एम एन बार, यूनिट वेक्टर अलोंग एम एन बार। फिगर में बताना है तो अलोंग एम एन बार मतलब एम एन बार के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी तो होगा मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर ई कैप, यहाँ पे भी होगा 1 मैग्नीट्यूड है यूनिट और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसको भी ई कैप बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं, पर डायरेक्शन एम एन बार का होना चाहिए। तो आपके ध्यान में आया होगा यूनिट वेक्टर कभी फ्री वेक्टर नहीं होता है। जैसे एम एन बार मैंने उठा लिया, लगा दिया, पी क्यू बार लिख सकते हैं, ए बी बार लिख सकते, पर यूनिट वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होता है। पहले आपके पास कोई वेक्टर होना चाहिए, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको एक वेक्टर मिलता है ऑफ मैग्नीट्यूड 1 इन द सेम डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। पहले एक वेक्टर होना चाहिए, उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, और प्रोसीजर ये होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इट कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो बताओ पी क्यू बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बार क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी क्यू बार। मैंने लिखा सी डी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार, क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग सी डी बार।
मैंने लिखा ए बी बार कोई वेक्टर है, कितना भी मैग्नीट्यूड रहने दो, उसको उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसके लेंथ से डिवाइड करो तो उसका लेंथ वन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बी बार। तो स्टूडेंट्स व्हाट आर जीरो वेक्टर्स, व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स मालूम है? अपने स्टूडेंट्स हाई स्कूल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होगा, जिसको आप कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पता होगा। ज्योमेट्री में ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये भी तो एक्स एक्सिस है, पर आपको पता होगा यहाँ पे जीरो, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री एंड सो ऑन, निगेटिव एक्स, निगेटिव टू, निगेटिव थ्री एंड सो ऑन, यहाँ पे पॉजिटिव वन टू थ्री और यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई और इसको बोलते हैं निगेटिव वाई। हमको बताओ ये कोई लाइन सेगमेंट होगा पन डायरेक्शन, इसको आप रे भी बोलते हैं, तो डायरेक्शन है तो ये वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर है तो इसके अलोंग भी तो यूनिट वेक्टर होगा, होगा कि नहीं बताओ? ऑफ कोर्स अब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको स्टैंडर्डली रिप्रेजेंट करना होता है, इसको डिनोट करते हैं आई कैप, स्मॉल आई और ऊपर कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और स्मॉल जे कैप अगर लिखा तो यह होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, अभी तो ध्यान में रखो। तो व्हाट इज आई कैप एंड जे कैप, तो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सामने देखना है हमको, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में जाना है तो वहाँ पे जेड एक्सिस भी होता है और इनके निगेटिव वेक्टर्स भी होते हैं, अपन पहले डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर पढ़ा है इसलिए मैंने बात करा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आई कैप जे कैप ध्यान में रखो। तो बेटे जी एक बात बताएं कि आपके जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन, फिक्स होता है, हमेशा वन ही होता है, पर उनको गिवन वेक्टर का डायरेक्शन होता है। जैसे मैंने लिखा कोई वेक्टर है पी क्यू बार और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ई कैप अलोंग पी क्यू बार होगा, अलोंग पी क्यू बार, तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा वन होता है और इसका डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है? पी क्यू बार का। और आप यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर पता हो गया तो आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन पता हो गया, क्योंकि जो ई कैप का डायरेक्शन है वही पी क्यू बार का डायरेक्शन है। ई कैप अगर पता हो गया यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो हम सबको पता है वन है, पर इसका जो डायरेक्शन है वही पी क्यू बार का डायरेक्शन होता है। तो यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, ध्यान में रखो। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर बोल दीजिएगा। मेरे पास एक वेक्टर है स्टूडेंट्स ए बी बार, बताइए इसका डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा ए टू बी, और उसका मैग्नीट्यूड होगा सपोज वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट, एक दो और तीन, और यहां पे उसके पैरेलल दूसरा वेक्टर है उसको नाम देता हूं पी क्यू बार,
और उसका भी मैग्नीट्यूड हो गया 3 यूनिट 1, 2 एंड 3। ये दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। लेंथ दोनों का 3 यूनिट 3 यूनिट है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड सेम इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन भी उनके सेम है, ऐसे दोनों वेक्टर को बोलते हैं इक्वल वेक्टर। रिप्रेजेंट करते ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार, ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार। तो भाई दोनों वेक्टर इक्वल कब होता है, तो टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड ऑफ सेम डायरेक्शन, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। होगा मेरे पास कोई वेक्टर, सपोज ये वेक्टर पी बार हो गया स्मॉल, जानते हैं आप ओ पी बार को पी बार बोलते हैं, शुरू में बताया। दूसरा वेक्टर होगा मेरे पास कोई आर बार, एस बार, कुछ भी होगा, आर बार हो गया। और मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड 1, 2, 3, 4 यूनिट है, इसका भी 1, 2, 3, 4 यूनिट है। अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है जबकि पैरेलल है और डायरेक्शन सरीका ही दिख रहा होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड 4, 4 यूनिट है, तो पक्के में दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होते हैं। सोपा स्टूडेंट ध्यान में रखो, टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स एंड सेम इन डायरेक्शन, दोनों के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दोनों के लेंथ भी सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तब दोनों वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बी बार इक्वल टू पी क्यू बार हो गया, यहाँ पे स्मॉल पी बार इक्वल टू स्मॉल आर बार हो गया। चलो स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ वेक्टर ठीक है, टू वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। सामने का डेफिनेशन देखते हैं, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कोई सिंपली इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलता है। भाई यहां पे वेक्टर ए बी बार और पी क्यू बार दोनों इक्वल है, क्यों है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्ट, दोनों के मैग्नीट्यूड से इक्वल है और दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए उनको इक्वल वेक्टर बोला। मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रखा पर डायरेक्शन मैंने आप ऐसे करा होगा, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, तो ये वेक्टर ए बी बार और ये वेक्टर पी से स्टार्ट हुआ, क्यू पे टर्मिनेट हुआ पी क्यू बार। अब बताओ ए बी बार वेक्टर है आपके पास, पी क्यू बार वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है 3 यूनिट 3 यूनिट, पर दोनों के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर। मतलब ए बी बार इज अपोजिट ऑफ पी क्यू बार है, पी क्यू बार अपोजिट वेक्टर ऑफ ए बी बार है, या ए बी बार इज निगेटिव ऑफ पी क्यू बार, या पी क्यू बार इज निगेटिव ऑफ ए बी बार बोल सकते। यहाँ पे भी मेरे पास दो वेक्टर है पी बार एंड आर बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे दोनों के डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर इक्वल वेक्टर हो गए, पर मैंने यहाँ पे आर बार का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे का निगेटिव आता है, ये होता है निगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों वेक्टर अगर अपोजिट वेक्टर्स है तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। टू वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। तो हमको एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आपके पास एक वेक्टर है ए बी बार, कितना भी मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पे वेक्टर ए बी बार है और मैंने दूसरा वेक्टर बनाया बी ए बार, क्या ए बी का लेंथ और बी ए का लेंथ सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ए बी का लेंथ
और बी ए का लेंथ सेम है। लेंथ सेम है मतलब ए बी बार का मैग्नीट्यूड और बी ए बार का मैग्नीट्यूड सेम है, पर ए बी बार एंड बी ए बार दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों वेक्टर कैसे वेक्टर होंगे, अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर। तो ए बी बार नेगेटिव ऑफ बी ए बार, ए बी बार इज अपोजिट ऑफ बी ए बार बोल सकते हैं, ध्यान में रखो नेगेटिव वेक्टर। तो व्हाट इज मीन बाय जीरो वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, ध्यान में आया होगा। स्टूडेंट मेरे पास एक वेक्टर है, होगा ए बी बार, दूसरा वेक्टर है पी क्यू बार, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों इक्वल हुए। अब मेरे पास ए बी बार है, और पी क्यू बार है, दोनों के डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है तो इनको आप इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं तो ये इक्वल नहीं है, तो इनको सिंपली आप पैरेलल वेक्टर बोलोगे। क्या बोलोगे मैम? पैरेलल वेक्टर्स, क्लियर? वेक्टर विच आर अलोंग द सेम डायरेक्शन व्हाट मे बी देयर मैग्नीट्यूड्स और कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर। अब एक का डायरेक्शन अगर मैं जस्ट अपोजिट करता हूं, ये अपोजिट वेक्टर नहीं होंगे, अपोजिट ये होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शंस, तब अपोजिट वेक्टर होता है। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है तो इक्वल तो है ही नहीं, अपोजिट भी नहीं होंगे, पर इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन व्हाट मे बी देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं मैम? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब बात करें मैंने थोड़ा सा, ये वेक्टर है और उसका ये पैरेलल वेक्टर है, फिर दोनों इक्वल होंगे या फिर सिंपली पैरेलल है? क्या आप दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल बता सकते हैं? तो इन दोनों में एंगल आता है जीरो, और दोनों वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो पक्के में दोनों में एंगल आता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आएगा? क्योंकि जैसे कल हमको इक्वालिटी का सेंस भी एक्सप्लेन करूंगा और ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ाई करो, कल के लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ।